नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने यूजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अलग अलग तरह के और बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। निश्चित रूप से मैं आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से कुल 11 महत्वपूर्ण सवाल लिया हूँ, जो ज़्यादातर विद्यार्थियों को जानना है या ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जानना जरूरी है। तो बिना देर किए मैं शुरू करता हूँ सवालों का सिलसिला और लेता हूँ पहला सवाल, जो अनीता शर्मा जी और आदित्य यादव जी के तरफ से आया है। ये जानना चाहते हैं कि सर, रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल वेरिफिकेशन का मैसेज अभी तक हमारे मेल पर या पोर्टल पर नहीं आया है, हम क्या करें? अनीता जी, आदित्य जी और इनके अलावा जितने लोगों का ऐसा सवाल है कि अभी तक आपके मेल पर या आपके पोर्टल पर फिजिकल वेरिफिकेशन या रिपोर्टिंग से संबंधित कोई मैसेज नहीं गया है, तो आप बिल्कुल परेशान न होएं, क्योंकि यूजी एडमिशन के अंतर्गत 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक, यानी 5 से 7 सितंबर तक अपग्रेडेशन का अंतिम मौका दिया गया है। यानी इसीलिए आपको रिपोर्ट करने के लिए 13 और 14 सितंबर का समय दिया गया है, जिससे रेगुलर 1 to 4th राउंड के सारे बच्चे और मॉपअप राउंड फर्स्ट में जिनका एडमिशन होता है, वो सारे बच्चे 12 से 13 सितंबर तक अपनी फीस जमा कर लेंगे और 13 और 14 सितंबर को रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये रिपोर्ट जो आपको करना है, इसमें रेगुलर राउंड के सभी 4 राउंड के बच्चों को और साथ ही साथ मॉपअप राउंड फर्स्ट के बच्चों को एक साथ 13 और 14 सितंबर को रिपोर्ट करना है। इसलिए अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 7 के बाद निश्चित रूप से 8 से लेकर के 12 सितंबर के बीच निश्चित रूप से, और ज़्यादातर प्रबल संभावना है कि 8-9 तक आपके पास निश्चित रूप से मेल चला जाएगा कि आपको 13 और 14 सितंबर को संबंधित कॉलेज में 11 से 4 बजे के बीच में रिपोर्ट करना है। तो आप परेशान न हो, आप 8 से 10 तक का इंतज़ार कर लें। किसी भी कीमत पर 12, यानी 8 से लेकर के 12 सितंबर तक आपके पास मैसेज अब जो फिजिकल रिपोर्टिंग है का जरूर चला जाएगा। अगर मान लीजिए, हम ये भी मान लेते हैं कि आपको मेल नहीं गया या कोई त्रुटि हो गई या आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी तरफ से मोबाइल में, अगर आप नहीं मेल आपके पास पहुंच पाया है, लेकिन आपका एडमिशन हो गया है, आपने अपनी फीस जमा की है, तो आप अपने फी रिसिप्ट के साथ, एडमिशन लेटर के साथ, प्रूफ के साथ आप संबंधित कॉलेज में 13 या 14 सितंबर में से किसी एक दिन 11 से 4 बजे के बीच में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला, हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर, 5 सितंबर से ही पहले हम लोगों को रिपोर्ट करना था, अब 13 और 14 सितंबर को क्यों रिपोर्ट करना है? तो 5 सितंबर से जो रिपोर्ट करने के बारे में मैसेज ओरली जो बताया गया था, यह अनुमान के आधार पर बताया गया था, क्योंकि तब तक बीएचयू की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। और बीएचयू ने बड़ा फैसला लेते हुए रेगुलर राउंड के सारे बच्चों को प्लस मॉपअप के भी बच्चों को एक साथ लेने के कारण डेट को बढ़ा करके 13 और 14 सितंबर कर दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, 13 और 14 में से किसी भी एक दिन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट संबंधित कॉलेज में करना है। दूसरा सवाल लेते हैं, जो अजय कुमार चौबे जी की तरफ से आया है। ये जानना चाहते हैं कि सर, अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पूरा न करने पर क्या हमें दोबारा मौका मिलेगा? अजय कुमार जी, अगर आपने एडमिशन लिया है, फीस जमा कर दिया है और आपने अपने एडमिशन को लॉक नहीं किया है, तो निश्चित रूप से आप अपग्रेडेशन के प्रोसेस में हैं। और जैसे ही अपग्रेडेशन के क्राइटेरिया में आप आते हैं, अपग्रेडेशन का मैसेज आपके स्टूडेंट पोर्टल पे चला जाएगा। और यदि आपको अपग्रेडेशन का लाभ लेना है, आपको पसंद है अपना अपग्रेडेशन, तो
आप ग्रेजुएशन के हिसाब से नई प्रक्रिया कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन प्रोसेस भी करना पड़ेगा और जो फीस वगैरह होगा उसको भी आपको नए सिरे से, यानी मान लीजिए कि 100-200 रुपये ज़्यादा जमा करना है या आपका वापस होना है, तो नए सिरे से अपग्रेडेशन का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। लेकिन अपग्रेडेशन आप तभी करेंगे जब आप अपने अपग्रेडेशन से खुश रहेंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप पहले जिस कॉलेज में हैं, जिस सब्जेक्ट में हैं, आप वहीं रह सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आपको अपग्रेडेशन एक्सेप्ट ही करना है। लेकिन एक बात यह है कि अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं तो मान लीजिए आपको दूसरी बार, पहली बार अपग्रेडेशन हुआ और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरी बार यदि अपग्रेडेशन का मौका आपको मिलता है, आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो भी आप उसका लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि आप जंप करके दूसरे अपग्रेडेशन का लाभ नहीं उठा सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप ही आपको अपग्रेड करना है। तो यदि आपने पहला अपग्रेड रिजेक्ट कर दिया तो दूसरे अपग्रेडेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पहले अपग्रेडेशन में भी अपग्रेडेशन के प्रोसेस को एक्सेप्ट किया था। तो निश्चित रूप से अगर आप अपग्रेडेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको दोबारा इसका मौका नहीं मिलेगा। और एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि सर अगर हम अपग्रेड एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या हमारे जो पहला वाला एडमिशन है, यानी पहले जिस सब्जेक्ट ऑनर्स में और जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ है, वो कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका एडमिशन एक बार हो गया और आपने अपनी फीस जमा कर दी तो आपका एडमिशन 100% श्योर हो गया, अब आपको कोई नहीं हटा सकता। रह गई बात अपग्रेडेशन की, या तो आप जाना चाहते हैं तो जाइए, नहीं जाना चाहते हैं तो आपका पहला एडमिशन सब्जेक्ट कॉलेज बिल्कुल 100% श्योर है। इसको लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप शक या डाउट बिल्कुल न करें। अगला तीसरा सवाल लेते हैं, जो अमन सिंह, बिमल कुमार जी, अमृता शुक्ला जी की तरफ से सवाल आया है कि सर हॉस्टल अलाटमेंट की प्रक्रिया कब से होगी, और दूसरा सवाल है कि क्लासेस हम लोगों का कब से चलेगा। तो हॉस्टल अलाटमेंट की अगर हम बात करें तो हॉस्टल अलाटमेंट की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि BHU आपके रिपोर्टिंग यानी 13-14 के पहले भी हॉस्टल अलाटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिसकी संभावना बहुत मुझे नहीं लग रही है, कम है। लेकिन 13 और 14 सितंबर को जब आप रिपोर्ट करने अपने अपने सेंटर पर जाएंगे तो उस दौरान हॉस्टल से संबंधित प्रक्रिया कराया जा सकता है। यानी आप हॉस्टल रिक्वायरमेंट यदि आपको है तो हॉस्टल अलाटमेंट से संबंधित जो जरूरी प्रोसेस है आप रिपोर्टिंग के दौरान करेंगे, और कोशिश यही किया जाएगा कि क्लासेस चलने से पहले आपको हॉस्टल अलाट कर दिया जाए, जिससे आप रह करके अपनी क्लासेस कर सकें। यानी 15 से 20 तक किसी भी कीमत पर विश्वविद्यालय और कॉलेजेस भी आपको हॉस्टल देने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं बात आपके सवाल जो क्लासेस की बात आप लोग कर रहे हैं, तो क्लासेस मुझे ऐसा, क्योंकि 13-14 तक तो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो 15 से 20 के बीच में क्लासेस के चलने की संभावना है, या क्लासेस चलने से संबंधित कोई नोटिफिकेशन BHU की तरफ से निश्चित रूप से जारी होने की संभावना है, तो इसका निर्धारण 15 से 20 के बीच में हो पाएगा। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि अक्टूबर से आपकी क्लासेस प्रॉपर रूप से चलनी चाहिए, ऐसी संभावना है, क्योंकि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। अगला सवाल लेते हैं, जो कुमकुम पांडे जी, अभिराज पाठक जी के तरफ से आया है, और आप लोग जानना चाहते हैं कि 13 और 14 सितंबर को क्या हम लोग रहने के तैयारी के साथ रिपोर्ट करने आए, क्या हम लोग अपना रिजर्वेशन करा लें, ये तय है कि 13 और 14 को फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। देखिए 13 और 14 को निश्चित रूप से फिजिकल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसमें कोई भी डाउट संदेह नहीं है। 13 और 14 तारीख में से किसी एक दिन आप निश्चित रूप से फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए संबंधित कॉलेज में संबंधित सेंटर पर 11 से 4 बजे के बीच निश्चित रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और कम से कम एक सेट
फोटोस्टेट कॉपी के साथ आप रिपोर्ट करेंगे, ये तो तय है, लेकिन आप रहने की तैयारी के साथ आएंगे इस पर मैं बहुत निश्चित रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि 13-14 से आपकी क्लासेस नहीं चलनी है, न तो 13-14 से आपको हॉस्टल मिलने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 15 से 20 के बीच में कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो आप 14 को ही रहने की तैयारी के साथ आकर के क्या करेंगे। इसलिए आप सिर्फ रिपोर्ट करने आए, अपना कॉलेज देखने आए, हॉस्टल देखने आए, अपना डिपार्टमेंट देखने आए, यहाँ के टीचर से अगर आप मिलना चाहें, बात करना चाहें, आए, क्योंकि जब आप एडमिशन लिए हैं तो निश्चित रूप से आप इस कॉलेज के विद्यार्थी हो गए और आप तमाम तरह की चीज़ों को जानना चाह रहे होंगे, ये जिज्ञासा उत्सुकता आपके अंदर होगी, तो ये सब आप एक दिन दो दिन रुक करके सारी चीज़ों को जान लें, फिर घर जा करके जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके हिसाब से आप पूरी तैयारी के साथ रहें और फिर आप रुक करके यहाँ पर अपनी क्लासेस करें। अगला सवाल लेते हैं जो शबाना जी के तरफ से और गोपीनाथ जी के तरफ से आया है। ये दोनों लोग जानना चाहते हैं कि जिनका एडमिशन हो गया है क्या वो भी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मॉपअप राउंड का फ़ायदा ले सकते हैं। शबाना जी, गोपीनाथ जी, मैं आपको बता दूं कि यदि आपका एडमिशन BHU के मेन कैंपस में या किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस में किसी भी सब्जेक्ट ऑनर्स में अगर हो गया है तो आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, यानी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। मॉपअप राउंड में वही बच्चे रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे जिनका हाई इंडेक्स है, जो किसी कारणवश छूट गए, एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए, और वो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनका इंडेक्स लो है, जिनको अभी तक 4th रेगुलर राउंड तक एडमिशन लेने का मौका नहीं मिला। मैं UG के सारे कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारे कोर्सेज में नियम एक ही हैं। तो मॉपअप राउंड में वही बच्चा रजिस्ट्रेशन कराएगा जो हाई इंडेक्स होने के बावजूद भी किसी कारणवश वो छूट गया, एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाया, या जिनका इंडेक्स लो है और अभी तक वो कट ऑफ में नहीं आया और उनको एडमिशन का ऑफर अभी तक नहीं भेजा गया। हाँ, थोड़ा सा परिवर्तन अगर किया गया है, हालांकि ये जो परिवर्तन किया गया है ये PG कोर्सेज में किया गया है, अगर PG कोर्सेज में किए गए परिवर्तन को अगर UG में भी लागू कर दिया जाता है तो दो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। पहली चीज़ ये कि जो बच्चे किसी कारणवश फीस जमा नहीं किए हैं उन बच्चों को भी PG में मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका प्रदान कर दिया गया था। तो आप में, अगर आप में UG में भी ऐसा होता है, हालांकि मॉपअप राउंड से संबंधित विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब अगर UG में PG में मॉपअप राउंड के तर्ज पर ये छूट मिलती है तो UG में जिन जिन बच्चों का फीस जमा नहीं हो पाया था डेडलाइन के अंदर, वो बच्चे भी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। और दूसरा जो परिवर्तन PG में किया गया और उसको UG में लागू किया जाता है तो उसका लाभ आप ले पाएंगे कि जिन बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया है या विड्रॉ करा लिया है, ऐसे बच्चों को भी PG में मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन लेने का मौका दिया गया था, जबकि इसके पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो दोनों अगर सुविधा UG में भी मिल जाए तो 4 क्राइटेरिया हो जाएगी। एक तो ये कि आपका हाई इंडेक्स है लेकिन किसी कारणवश आप एडमिशन की प्रक्रिया में नहीं आ पाए, छूट गए, तो आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपका इंडेक्स लो है और 4 राउंड तक आपको मौका नहीं मिला तो आपको मॉपअप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा ये कि यदि आप डेडलाइन के अंदर फीस जमा नहीं किए तो भी आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए तो भी आप मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और चौथी क्राइटेरिया ये कि यदि आपने एडमिशन कॉलेज के पसंद न आने पर या सब्जेक्ट के पसंद न आने पर कैंसिल करा लिया है तो कैंसिलेशन के बावजूद भी आप मॉपअप राउंड में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हो सकता है जैसा जो आप सोच रहे हैं वो कॉलेज आपको मिल जाए, वो सब्जेक्ट ऑनर्स आपको मिल जाए, तो 4 क्राइटेरिया हो सकता है जिसके थ्रू आप मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जो UG का रूल है मॉपअप राउंड का और जो PG में
नया चेंज किया गया है, मैं उन संभावनाओं के आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल लेते हैं जो स्वदेश मिश्रा जी के तरफ से और साक्षी सैनी जी के तरफ से आया है, और ये जानना चाहती हैं कि सर सब्जेक्ट कम्बिनेशन कब तक होगा। देखिए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया है, विस्तार से बताया है, आप वहाँ जा सकती हैं, उस वीडियो को सुन सकती हैं, विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकती हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का काम 15 से 20 सितंबर के बीच में किया जा सकता है, इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो पूजा पटेल और श्रुति सिंह जी के तरफ से आया है, ये जानना चाहती हैं कि सर मेरे पास मेरी TC जो है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट 2023 की ही है, यानी पिछले साल का ही हमने निकलवा करके रखा हुआ है, इससे एडमिशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पूजा जी, बिल्कुल नहीं होगा, आपकी TC 2023 यानी पिछले साल की निकाल करके आपने रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका एक साल का गैप है, तभी तो TC आपके पास है। तो गैप है तो कोई समस्या नहीं है, TC पिछले साल की आपने निकाल के रखी है, कोई समस्या नहीं है, आप 2023 के ही CC एंड TC के आधार पर आप एडमिशन ले सकती हैं, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा सवाल है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले आना है, इस पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, आप वीडियो लिस्ट में जा करके फिजिकल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सर्च कर सकती हैं, आप विस्तृत रूप से मैंने विस्तार से बताया है, आप सुन सकती हैं, तमाम तरह की जानकारी आपको मिल सकता है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कम से कम एक फ़ोटो सेट भी होना चाहिए, जिससे कि आपको परेशान न होना पड़े। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो वंसल यादव जी के तरफ से आया है, ये लिख रहे हैं कि सर 4th राउंड बीत चुका है, अभी तक मुझे एडमिशन का ऑफर नहीं आया, क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा। वंसल जी, अभी तक 4th राउंड हुआ है, 4th राउंड तक आपको एडमिशन का ऑफर नहीं गया है, मीन्स आपका इंडेक्स के आधार पर आप अभी कट ऑफ में नहीं आए हैं, आप निश्चित रूप से मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स अभी भी नीचे जाएगा क्योंकि सीटें फुल नहीं हैं, तो कब क्या हो सकता है, कितनी सीटें खाली हो सकती हैं, कितने लोग छोड़ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के आधार पर खाली सीटों की संख्या का निर्धारण होगा। तो कोई नहीं जानता कि कब किसके भाग्य में क्या लिखा है, कब इंडेक्स कम हो जाए, कब लोग छोड़ दें। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल कराएगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तमाम तरह की चीज़ें, या दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेगा, ये हम और आप नहीं जानते हैं, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कितने लोग छोड़ेंगे और कट ऑफ कितने नीचे जाएगा। तो आपको सकारात्मक सोचना चाहिए और निश्चित रूप से मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो आशा पांडे जी के तरफ से आया है, आप जानना चाहती हैं कि मेरी बेटी का अपग्रेडेशन हो करके VCW में चला गया है, यानी मेरी बेटी का एडमिशन अपग्रेडेशन के थ्रू VCW में हुआ है, मैंने फिर से अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया गया है, यानी मैं चाहती हूँ कि अपग्रेड हो जाए, तो मैं अपने और बेस्ट के तरफ जाना चाहती हूँ। मैडम, मैं आपको बता दूँ कि आपने अपग्रेडेशन के थ्रू अगर बेटी VCW में चली गई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपने अभी तक अपनी सीट जो है लॉक नहीं कराई है, तो निश्चित रूप से आप अपग्रेडेशन चाहती हैं, आप उसको छोड़ सकती हैं। जैसे ही अपग्रेडेशन में आपको एक और मौका मिलता है और पहले ऑनर्स की तुलना में दूसरा जो अपग्रेडेशन के थ्रू आपको ऑनर्स मिलता है, या जो कॉलेज आपका चेंज होता है, कॉलेज एंड ऑनर्स वाइज जो अपडेट होता है, उससे आप 100% अगर संतुष्ट रहेंगे तो आप अपग्रेडेशन का के हिसाब से प्रोसेस कर लीजिएगा, आप नए सिरे से आपका एडमिशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन आप अपने अपग्रेडेशन से, दूसरी बार अपग्रेडेशन से आप खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप VCW में जो सब्जेक्ट मिला है आप उसी पर रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो साक्षी सैनी जी के तरफ से आया है, ये जानना चाहती हैं कि सर रिपोर्ट सिर्फ
रेगुलर राउंड वाले स्टूडेंट को ही करना है या मॉपअप राउंड वाले विद्यार्थियों को भी करना है? साक्षी जी, मैंने पीछे भी बताया, मैं अभी भी दोहरा दूं कि जो 13 और 14 सितंबर को रिपोर्ट करना है उसमें सभी चार रेगुलर राउंड के विद्यार्थियों के साथ मॉपअप राउंड के बच्चों को भी 13 और 14 को ही रिपोर्ट करना है, क्योंकि मॉपअप राउंड के अंतर्गत भी 12 और 13 सितंबर तक फीस जमा करने का लास्ट डेट है। यानी 12-13 तक आप अपनी फीस जमा कर लेंगे और मॉपअप राउंड वाले बच्चे भी रेगुलर राउंड वाले बच्चों के साथ ही 13 या 14 सितंबर में से किसी एक दिन 11 से 4 सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रिपोर्ट करेंगे। वहीं अगला 11वां और अंतिम सवाल लेते हैं जो आयुष्मान जी के तरफ से आया है। आप जानना चाहते हैं कि सर टीसी पर काउंटर साइन कराना क्या जरूरी है? देखिए, टीसी पर काउंटर साइन ज़्यादातर जब आप दूसरे ज़िले में जाते हैं तब कराना होता है। यानी आप चंदौली जैसे थोड़ी जैसे मान लीजिए आप चंदौली से बनारस में आ रहे हैं, बीएचयू में पढ़ने आ रहे हैं, या गाजीपुर से आ रहे हैं, बलिया से आ रहे हैं, या दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, तो वहाँ पर काउंटर साइन कराने की ज़रूरत होती है। अपने डिस्ट्रिक्ट में ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेने में टीसी पर काउंटर साइन की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ तक मुझे जानकारी है। फिर भी आपको काउंटर साइन को लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह प्रोसेस आप जिस भी कॉलेज से पढ़े हैं, जहाँ से आपने ट्वेल्थ किया है, वह कॉलेज ऑफिस आपको टीसी पर सारा प्रोसेस करा करके ही देता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 11 अलग अलग सवालों को लिया। अगले वीडियो में मैं कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ आऊँगा, उस पर आपको जानकारी दूंगा। तब तक जाते जाते मैं आप सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन कर दूं कि आप एडमिशन की प्रक्रिया जब तक चल रही है तब तक संभावना है, कुछ भी हो सकता है, आप सक्रिय रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर नियमित रूप से विजिट करते रहें। अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल आईडी को दिन भर में 2-3 बार देखें, जरा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। और जैसे ही कोई मैसेज आता है आप प्रोसेस को पूरा करें। कोई सवाल या कोई जानकारी आप चाहते हैं, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।